सरकार पे विश्वास नहीं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी देख रहे हैं जो खेल हो रहा है बीजेपी का। मोदी ने उसका संविधान का भी दाह संस्कार कर दिया। हम आपको बता दें, एक धृतराष्ट्र बन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जैसे ही आवाज आएगा हमारी देश की बेटियों का, हम अपना सर देने के लिए तैयार हैं। और ये मोदी जी लोग ही करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है? मोदी जी ये जो है साक्षी मलिक को उठवा रहे हैं। सड़कों पे घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, जेंट्स पुलिस लगा दी गई जो कि महिला पुलिस को वहाँ पे लगाना चाहिए था। अगर ये हमारा स्पेस हमसे छीने तो हम वहीं पर बैठेंगे ना फिर? हाँ। पार्लियामेंट में जो पूरा देश का रिप्रेजेंटेशन बैठता है वहाँ पर आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं। सारे धर्मों के थे, सारे धर्मों के थे तो पूजा तो सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार हुआ ना। नमस्कार, मैं शिखर सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप देखेंगे मेरे चारों ओर, ये चारों ओर, और यहाँ से आप अगर आगे तक देखेंगे तो ये वही रास्ता है जहाँ पे महिला पहलवान 30 दिन से धरने पे थी। आप ये पोस्टर देखिए, पोस्टर पे आपको लिखेगा एक्ट 144 CRPC इज इम्पोज्ड। यहाँ पे 144 धारा लगी हुई है और यहाँ पे किसी भी लोगों का अंदर जाना मना है। हालांकि जो जवान थे, जो लगभग 95 या 97 दिन से यहाँ पे धरने पर थे, वो लोग अभी अंदर गए हैं, लेकिन और किसी लोगों का अंदर जाना मना कर दिया गया है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, देख सकते हैं आप, ये रास्ते पे अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे पुलिस वाले हैं, यहाँ पे तैनात है, और बैरिकेटिंग जो है 3-3 लेयरों में हुआ है और तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसे देख रहे हैं इस धरने को? ये तो क्रिमिनलिटी प्रूफ किया जा रहा है मैडम। ये धारा 144 लगा के और ये साक्षी मलिक को जो यहाँ से ये लोग जबरदस्ती उठा लिए हैं मारपीट के, इसको तो किडनैपिंग बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा, ये तो किडनैपिंग हो गया। और ये मोदी जी लोग ही करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है? मोदी जी लोग ही करवाएंगे सरकार। मोदी जी क्यों कराएंगे? मोदी जी वोट का झगड़ा ना, उनका वोट कटेगा, सारा वोट तो है राइट टू रिजेक्ट हो जाएगा उनका ना। मोदी जी का बीजेपी का वोट कट के राइट टू रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए मोदी जी ये जो है साक्षी मलिक को उठवा रहे हैं। और जो है अब कहाँ है क्या है, मैं तो पार्लियामेंट थाना उन लोगों को जेल लेके गया, ले जाया गया, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन किया? उनको नहीं जाना था वहाँ पे संसद भवन के पास। संसद भवन कल संसद नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और उसमें वो लोग अर्चन करने जा रहे थे वहाँ पे। जब उनको दिल्ली पुलिस ने इज्जत से यहाँ पे धरना करने के लिए दिया है तो फिर इस तरीके से करना उचित नहीं है। नहीं नहीं, एक दिन मैंने भी धमकाया था, साक्षी मलिक से मिला था मैं, वो पुनिया साहब से भी मिला था, तो मैंने धमकाया था कि आप लोग यहाँ इंडिया गेट या विजय चौक या संसद भवन का घेराव कर रहे हो, ये सब काम मत करो क्योंकि इसमें रिस्क है और टेंशन है, और ये आपका जो एक्सट्रोशन का, आपने धमकाया या बात? मतलब मेरी दोस्ती है, जान पहचान है, मेरे ग्रुप के आनंद अन्याय दमन मंच में भी उन लोगों को शामिल करना है, तो इस सब्जेक्ट पे भी मीटिंग थी, तो मैं भी अभी 2-4 दिन से ही आ रहा हूँ, तो मैंने एक बार मतलब वैसे ही डांट दिया था, जूनियर हैं वो लोग, मैं 40 हैं तो क्या कहेंगे आप? आप तो यहाँ पे थे, जेल भी गए आप कल। आप पहले मैं इनके बारे में बता दूँ, ये पहले दिन से धरने पर है शायद, और ये जेल भी जा चुके हैं कल। क्या क्या कुछ हुआ वहाँ पे, आप पूरी बात बताइए। पहले तो हम आपको यहाँ से बताना चाहते हैं, हमारा जो महिला पंचायत करने वाले थे संसद भवन में, हम जो महिला पंचायत अपना संसद भवन में करना चाहते थे, बहुत शांति तरीके से करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 27 तारीख को ही हमें किला बंद कर दिया गया, जहाँ तक कि हमारा जो पानी, लाइट, बिजली, खाना पीना सब बंद कर दिया गया। आप लोग जो हमेशा पुलिस को घेरते हैं, पुलिस की क्या गलती है? पुलिस तो अपना काम कर रही है। अगर किसी एक मिनट, अगर किसी धरने के वजह से आम पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, आम जन को दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए पुलिस तो काम करेगी। नहीं, मैं पुलिस को घेर नहीं रहा हूँ, पुलिस से करवाया गया है, सरकार बीजेपी की सरकार जो करवा रही है। ब्रजभूषण शरद सिंह को जहाँ पे जेल में डाला चाहिए, कल हमारे देश की बहन बान शान बेटियों का सड़कों पे घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, जेंट्स पुलिस लगा दी गई जो कि महिला पुलिस को वहाँ पे लगाना चाहिए था। देखिए, एक सवाल उठता है कि जब जवान जो है धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं यहाँ पे, और वहीं पे पहलवान, हालांकि बेटियों का मामला है, महिलाओं का मामला है, महिलाओं के मामले में ऐसा था कि जब 10 साल पुराना, जो लोग विपक्षी पार्टियां या सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या जो सबकी अपनी अपनी राय है, वो कह रहे थे कि 10 साल पुराना ये मामला है, तो थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। क्या लगता है?
देखिए हम आपको बता दें, एक धृतराष्ट्र बन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारी देश की बेटियां जब गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो बेटी कह के संबोधित करते हैं, और उनको 36 दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, और ये धरना प्रदर्शन को किस प्रकार से कुचला जाए ये हमेशा सरकार षड्यंत्र रचती रही। नहीं, हार गई है क्योंकि किसान भी लौट गए हैं अपने अपने घर। नहीं, हारे नहीं है, आपको बता दे यहाँ हम लाखों की संख्या में दिल्ली के कोने कोने में बैठे, और जैसे ही आवाज़ आएगा हमारी देश की बेटियों का, हम अपना सर देने के लिए तैयार हैं। हमने पहले ही आपको दिखा दिया कि कल हमने हारेस्टिंग करवा के अपना दिखाया, हमें 50 किलोमीटर दूर ले जाया गया, और हमारे साथ जो यहाँ पे अंदर बैठे थे छावनी में टेंट के अंदर, उनके सामान पड़े हुए थे, कैश पड़े हुए थे, प्रशासन हमें वो भी नहीं लेने दिया। आज सुबह जब हम अपने सामान के लिए यहाँ पे आए मांग करने के लिए, प्रशासन वहाँ पे भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। पहलवानों का टेंट फाड़ दिया गया, वहाँ पे पहलवानों का सारा सामान उठाने का काम है प्रशासन की है, और बीजेपी प्रशासन ने सारा कैश वैश रख लिया। मेरे पास वीडियो है। कमिश्नर साहब मौके पे थे, एसपी साहब, जी साहब वहाँ पे, सारे अधिकारी मौके पे थे। जिसने शोषण करा उसे तो पकड़ा नहीं, ये बेचारे मांग करे हमें हमारी इज्जत बचा लो, अब तो और भी ज्यादा इज्जत खराब होगी। जो अब तो किसान चले गए अपने घर, किसान तो चले गए, अब जो आदमी फौज में भर्ती है, पुलिस में भर्ती है, माँ बाप तो सीमा पर लड़ेंगे, उनके बच्चे गाँव में रहेंगे। मेरे माँ बाप फौज में थे, आई जी था हमारा बाप, हमें गांव के सब बच्चे पीटे थे हमें, और हमारी माँ खड़ी खड़ी देखा करे थी, जब वहाँ हमारे हम फौज के बच्चे पिटू जाओ गांव में, तो आप कहते धी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये संविधान ऐसा बना लग रहा, धी बेटी फौज की, पुलिस वाले की भी धी बेटी, और हमारी भी बेटी है, वे भी हमारी बेटी है, आगे सुरक्षित रहने का साधन नहीं रहा देश में। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे बाबा, सब तो चले गए, क्या करेंगे, क्या दसगे, सभी देख रहे हैं जो खेल हो रहा है बीजेपी का। मोदी को नया संविधान बना के, नवा संविधान बनाकर लिख के पेश कर दे भारत में, अब मेरा संविधान ही है। अम्बेडकर साहब ने संविधान कर तो मर गया बेचारा, उसका संविधान मार दिया इन्हें, इन्हें मोदी ने उसका संविधान का अभी दाह संस्कार कर दिया, बस अब तो नया संविधान लिखेगा मोदी, वो चलाओगा। यो तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे, जहाँ आपको दिखाएंगे ये गेट है, और तमाम लोग जो है यहाँ पे आए हुए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी जी जो है अंबेडकर का संविधान मार चुके हैं, अब उनको अपना संविधान लागू करना चाहिए। आप अंदर गई थी और आप चली भी गई, बहुत डट के आपने सामना किया प्रशासन से, क्या क्या कैसे गई आप अंदर? कि कोई भी धारा लगा रहे हैं और लोगों को कुछ भी बता रहे हैं उस धारा के बारे में, जब ये एक्ट लगता है 144, तो आप दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे। अगर मेरे को अकेले जाना है तो वो मुझे रोक नहीं सकते किसी भी तरह से, ने प्रोटेस्ट साइड जाके कुछ डिस्ट्रक्शन कर लिया। कुछ जाने का कुछ वजह तो होगा, ऐसे ही चली गई और नहीं, मुझे देखना था क्या हो रहा है, मेरा डेमोक्रेटिक स्पेस है, मैं क्यों ना जाऊँ? अच्छा। अगर ये हमारा स्पेस हमसे छीनेंगे तो हम वहीं पर बैठेंगे ना फिर। ये तो हम सबका कंट्री है, पब्लिक स्पेस है। एक बार और आप जाके बताएंगे, एक बार और जाके? जाने का कोई शौक नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक पुलिस वाला था, वो स्टॉक कर रहा था बहुत गंदी तरह से, जिस बिकॉज़ मैंने शायद शॉर्ट्स पहने थे या समथिंग, तो उन लोगों के साथ जिनके साथ मुझे, आपने उनको कुछ कहा नहीं? मैंने उनका वीडियो बनाया है, कुछ कहने का मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कि हमें डिटेन भी करते हैं जो ये मेल कॉन्स्टेबल्स वगैरह, ये लोग हमें उठाते हैं, तो उनसे वैसे भी हमें कोई उम्मीद है नहीं, कहीं ना कहीं पुलिस वाले गुंडे बन रहे हैं। हाँ, इनको पता है, इनको ये कुछ भी कर लेंगे तो कोई बचाने वाला ऊपर है शायद बैठा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। कौन बचाता है? प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आप होम मिनिस्टर किसके अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री अगर कुछ बोलेगी तभी ये कुछ करेंगे ना, अगर होम अपने अपने भगवान को, अपने जो उनको दे रहा है सबको, कौन है भगवान, कौन है? होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह भी तो केंद्र की गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, मतलब मोदी जी के तो भाई बंधु है ना आपस में, ब्रिजभूषण भी तो उनका एक भाई है। क्या दिक्कत है? सरकार तो अच्छे के लिए काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार पे विश्वास नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैसे विश्वास होगा? आप हमारे प्रेसिडेंट को, जो एक महिला है, आप उनको इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुला रहे हो। लास्ट टाइम आपने अपनी मनुवादी विचार वगैरह फिर से दिखाई थी जब आपने हमारे लास्ट टाइम के प्रेसिडेंट कोविंद जी को नहीं बुलाया था, तो आप इस प्रकार का अगर कर रहे हैं तो हमें पता है संविधान में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई संसद का उद्घाटन हो तो उसमें राष्ट्रपति को बुलाया ही जाए।
मुझे एक और चीज़, पहली बात तो वो नॉमिनल हेड है स्टेट की, दूसरी बात जब कर्नाटका में लड़कियों ने हिजाब पहन के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाने की कोशिश की तभी उन लोगों को हिजाब पे ऑब्जेक्शन था कि और हिजाब पहन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि रिलीजन एक जो ये स्पेस है जो इंस्टीट्यूशन है वो एक नॉन रिलीजियस स्पेस है। अब आप पार्लियामेंट में जो पूरा देश का रिप्रेजेंटेशन वहाँ बैठता है वहाँ पर आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, सारे धर्मों के थे, सारे धर्मों के थे तो पूजा तो सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार हुआ ना। नहीं तो ये एक सवाल तो उठता है, जब केरल में हिजाब मामला हुआ था तो वहाँ पे कहा गया था कि किसी इंस्टीट्यूट में किसी पर्टिकुलर धर्म के चीज़ों को जैसे कि भगवा रंग हो गया, हिजाब हो गया, वो हम पहन के नहीं जा सकते। लेकिन जब संसद भवन की बात आ रही है तो वहाँ पे पूजा कराया गया तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों, जब दोहरी राजनीति क्यों, अगर यहाँ पे इस तरीके का है तो संसद भवन तो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तमाम वीडियो हैं, तस्वीरें मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, 144 धारा लगाया गया है, आज किसी को जाने का परमिशन नहीं है, हालांकि जो जवान है वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे धरने पर है। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में, क्या 144 धारा लगना जायज़ है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।